हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस कासा सर्विस के बारे में कि ये सर्विस कब तक आएगा, क्या ये हमेशा के लिए बंद हो चुका है। काफ़ी लोगों का ये मन में सवाल है और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी क्या ये हमारा जो 1500 रुपये था वो चला गया है, तो क्या है इसके बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही होगा कि यहाँ पे आपको एक्सिस कासा के नाम से एक सर्विस मिलता था जिससे आप अकाउंट ओपनिंग कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे उस सर्विस को हटा दिया गया है। इसमें पहले दिक्कत ये आया कि पहले इसको डिसेबल किया गया, उसमें जो भी सर्विस था करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट पहले उसको डिसेबल किया गया। डिसेबल करने के बाद उसको चालू करने का भी कोशिश किया गया था, अनेबल करने का भी कोशिश किया गया था, लेकिन कुछ एरर आ रहा था जिस वजह से वो जो सर्विस है उसको चालू नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने चालू करने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ पे जो कि है करंट अकाउंट ही ओपन हो रहा था, लेकिन बाद में वो भी जो कि है काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पे पूरा एक्सिस कासा को ही यहाँ से हटा दिया गया है। अब आपको एक्सिस कासा का सर्विस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है जहाँ से आप अकाउंट ओपन कर पाएँ, और चाहे किसी को जिसने नया अकाउंट बनवाया है पेनीवे का उनको भी ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से वो सर्विस ही हट गया है। तो काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मेरे में एक्सिस कासा का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे बात यही है कि यहाँ से ही उसको रिमूव कर दिया गया है। जिनके पास पहले से सर्विस था उसके पास से भी रिमूव है, और जिसके पास सर्विस नहीं था उसके पास से भी रिमूव है। तो यहाँ पे दिक्कत यही आ रहा था कि अकाउंट ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था जिस वजह से यहाँ पे उसको बंद कर दिया गया है। अब बात आता है कि क्या हमारा 1500 रुपये डूब गया है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। 1500 रुपये में आपका यहाँ पे पेनीवाई एप्लीकेशन भी नहीं आता है, ये भी आपका 1000 रुपये में मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे आपने 1500 रुपये दिया है तो वो कैसे आपका डूबने वाला है, तो वो आपका नहीं डूबेगा। यहाँ पे बात यही है कि सर्विस यहाँ पे उन्होंने हटा दिया है कुछ एरर की वजह से, और उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको ये सर्विस देखने को मिलेगा। जो ये एक्सिस कासा का सर्विस है ये आपको 1 महीने के अंदर देखने को मिलेगा, यानी जनवरी में ही उम्मीद कर रहे हैं कि ये सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप फिर से वहाँ पे अपना जो भी अकाउंट ओपनिंग का सर्विस है वो दे पाएंगे। यहाँ पे दिक्कत कस्टमर को नहीं रिटेलर्स को हो रहा है क्योंकि रिटेलर्स ने यहाँ पे उस सर्विस को एक्टिवेट किया था, अभी उन्होंने अपना 1500 रुपये निकाला भी नहीं है कि जब तक ये सर्विस को बंद हो गया है। और काफ़ी सारे लोगों ने इसका पोस्टर भी लगाया है कि हमारे दुकान पे जो कि एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग होता है, तो पोस्टर का भी खर्च उनका नहीं निकल पाया है। तो जब तक ये सर्विस नहीं आता है तब तक रिटेलर्स को दिक्कत है क्योंकि उनको काफ़ी उम्मीद था कि एक्सिस का यहाँ पे अकाउंट ओपन हो रहा है सेविंग अकाउंट, और उन्होंने पोस्टर भी लगा दिया था अपनी दुकान पे और सर्विस को भी एक्टिवेट किया था। तो यानी पोस्टर मान ले तो 450 में आपका पोस्टर बन जाता है और 1500 रुपये अकाउंट एक्टिवेशन में आपका लगता है, तो 2000 रुपये उन्होंने अभी तक कमाया भी नहीं था तब तक ये सर्विस बंद हो गया। तो यहीं पे ये दिक्कत आ रहा है, अगर ये जल्दी से सॉल्व हो जाता है तो रिटेलर्स का भी पैसा निकले और वो लोगों को भी सर्विस दे पाए। तो यहाँ पे पेनीवाई को यही चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उनको ठीक करे, क्योंकि ये काफ़ी दिन हो गए हैं, पहले इसको डिसेबल किया फिर डिसेबल करने के बाद पूरा ही इसको रिमूव कर दिया गया है। तो इस सर्विस को डिसेबल और रिमूव हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो अब तक उनको इसका समाधान करना चाहिए क्योंकि इसमें रिटेलर्स का ही घाटा है और किसी का घाटा नहीं है। और बाकी यहाँ पे करंट अकाउंट है तो ये आपका आप देख सकते हैं आपका चालू है या नहीं, ये मुझे एक बार ज़रूर कमेंट में बता दें अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था, अगर आपने अपना रिटेलर्स का जो ये रिटेलर्स है अपना आपने अगर अपना ये करंट अकाउंट सर्विस को एक्टिवेट किया था तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। बाकी मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया है इससे रिलेटेड कि जल्दी से इस सर्विस को लाया जाए, तो हमारी बात भी हुई है, तो उन्होंने बताया कि 7 दिन या फिर जनवरी में ही ये सर्विस आपको फिर से दोबारा से देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये सर्विस जल्दी से देखने को मिले क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा दिक्कत हो रहा है रिटेलर्स को, और
रिटेलर्स ने जब पोस्टर लगाया है तो लोग उनके पास आ ही रहे हैं कि हमारा अकाउंट ओपन कर दो, लेकिन रिटेलर्स क्या बोलें कि हमारा जो सर्विस है वो बंद हो चुका है। तो इस वजह से रिटेलर्स को दिक्कत है, क्योंकि रिटेलर्स का ग्राहक है, ग्राहक उससे अगर उसके दुकान से जाता है तो रिटेलर्स को, दुकानदार को दिक्कत है। तो इस बात को पेनी भाई को समझना चाहिए और जल्दी से जल्दी सर्विस को लाना चाहिए। बाकी यही है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, ये सर्विस आपको किसी तरह से देंगे। अगर नहीं देते हैं तो इसके खिलाफ भी हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, वीडियो बनाएंगे। जब हम अच्छाई के लिए वीडियो बनाते हैं तो बुराई के लिए भी वीडियो बनाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सर्विस आया था तब भी मैंने वीडियो बनाया था, और सर्विस जब अनेबल हुआ या फिर डिसेबल हुआ, जो भी होता है मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में जो भी आपका सवाल हो वो पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी किसी को घबराना नहीं है, ये सर्विस आपका फिर से लाइव हो जाएगा, किसी का भी पैसा नहीं जाएगा।